જામનગરમાં રણમલ તળાવ સંકુલમાં લગભગ 50 વર્ષની વય ધરાવતા એક શખ્સને તેની પુત્રીની વયની સગીરા સાથે બીભત્સ ચેનચાળા કરતો નિહાળી કોઈએ પોલીસને ફોન કર્યો હતો. પોલીસે બંનેને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ સગીરાના પરિવારને બોલાવ્યો હતો. પરિવારે ફરિયાદ નોંધાવવાની ના પાડતા પોલીસે નિવેદન લઈ જવા દીધા હતા, પરંતુ સગીરા ઉપર લંપટ આધેડે દુષ્કર્મ પણ કર્યું હોવાની ખબર પડતા પરિવાર ફરી પોલીસ સ્ટેશન દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે પોક્સો એક્ટની કલમો હેઠળ ભાયા આંબલિયા નામના લંપટ આધેડ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો છે. ઉપરાંત પીડિત સગીરાના મેડિકલ ચેકઅપ સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે લંપટ આધેડની પુત્રી પીડિત સગીરા સાથે અભ્યાસ કરે છે. પોતાની પુત્રી સાથે અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કર્મ કરનાર લંપટ પર ચારે તરફથી ફિટકાર વરસી રહ્યો છે. આજ મેં એક બહુત હી મહત્વપૂર્ણ સૂચના દેને કે લિયે યે બાઇટ દે રહા હું. ये मैं जो भी हमारे समाज में वाली हैं, वडील हैं, उनको देना चाहता हूँ. ये अनकंफर्टेबल होगा, बट मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जरूर ध्यान दें. ये अपनी दीकरी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है. पिछले एक महीने में हमारे सिटी डिवीज़न में दो गुना दाखिल हुए हैं. छिल्ला गुना जो है 11 तारीख को सिटी ए में दाखिल हुआ. ये गुना IPC की 374 की कलम जो रेप से रिलेटेड है और पॉक्सो की विभिन्न कलमों के तहत दाखिल किया गया है. इस दोनों गुना में जो भोग बन्नार है वो 18 से कम के सगीर हैं, और उसके अलावा जो आरोपी है वो बहुत ही ज़्यादा उम्र के, 40 से ऊपर के, 60 से ऊपर के हैं. इसमें जो कॉमन बातें जो मैंने देखी और जो मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ वो आपके ध्यान पे लाता हूँ. दोनों आरोपी एक टाइप के सेक्सुअल प्रीडेटर हैं, जो कि अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने आसपास बहुत ही कम उम्र की जो निर्बल लड़कियां होती हैं उनको टारगेट करते हैं. जनरली इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो लड़की है किसी ना किसी तरीके से आरोपी को जानती है. वो या तो उसके परिवार के मित्र हो सकते हैं, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई दूध वाला हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है. तो पहले से किसी ना किसी कारणवश वो आरोपी को जानते हैं. आरोपी इसका फायदा उठाता है, भूख बनार को अपने विश्वास में लाता है, अपने प्रभाव में लाता है, और फिर इसके ऊपर दबांड से उसके इच्छा के विरुद्ध वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है. जो एक चीज़ और देखी गई कि ये शारीरिक संबंध वो लंबे समय तक चलता है, एक बार नहीं, बारम्बार उसको वो अपने हवस का भोग बनाता है. जनरली एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि हम जब रेप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यह आता है कि जरूर कि भोग बनार को किसी ना किसी तरीके से उसने शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचाया होगा. बाहर हमें उसके कुछ ईजा के मार्क्स दिखेंगे या उसको बहुत बुरी तरीके से मारा होगा. ऐसे केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है. वो उसको मानसिक तौर पर पूरी तरह तोड़ के उसको अपने प्रभाव में ला के अपनी हवस को पूरा करता है. इसमें होता क्या है कि जो भोग बन्नार है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र की होती है जो आरोपी है, वो कहीं ना कहीं उसको पहले से जानती है तो गिव इन कर जाती है और शारीरिक संबंध बनाती है. उसको वो बहुत ही ज़्यादा उम्र का होता है, आरोपी बहुत ही ज़्यादा उम्र का होता है, तो उसको उस चीज़ का भी डर लगता है कि क्या करे, तो वो रजिस्ट भी नहीं कर पाती. दूसरी तरफ वो अपने परिवार में वडिलों को भी बताने में उसको डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये दिमाग में चलता है कि वडील ही उसको इसके लिए दोषित मानेंगे. तो दोनों तरफ से वो डर के ये कभी बात कहीं भी जाहिर नहीं करती है. इसीलिए मेरी अपील है कि जो वडील हैं और जो भी वाली हैं अपने दीकरियों के जीवन में और इन्वॉल्व हों और इंटरेस्ट दिखाएं. वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सतर्क रहें कि कोई क्यों उनसे परिवार से जुड़ा हुआ आदमी क्यों उसकी दीकरी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों इतना जुड़ने की कोशिश कर रहा है. दीकरी जरूर अपने अपने जो डे टू डे लाइफ में वो अपने हम उम्र के लोगों के साथ रमती है, स्कूल जाती है, बट क्यों कोई बाहर का आदमी उससे इतना जुड़ रहा है. तो इस बारे में सतर्क रहें, अपने दीकरियों को भी इस बारे में जागरूक करें, और अगर ऐसा कभी उनके ध्यान पर आए तो पुलिस को जरूर वो जान करें. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हर कोई होता है, बट जरूर हमें इन चीज़ों के लिए सतर्क रहना चाहिए. सर, एक इज्जत आबरू के हिसाब से माँ बाप डरते और पुलिस के पास नहीं, तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि भाई डरे नहीं और पुलिस को भी ऐसे मामले में? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस बारे में जागरूक बने. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप दीकरियों से जुड़े, उनको इस बारे में जागरूक बनाएं,
और ऐसा कभी भी आपके ध्यान पे आए तो आप बेझिझक पुलिस को जान करें। पुलिस इसमें कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। आज इसमें कायदे भी बहुत कड़क हैं, उसके तहत हम कायदे से कार्रवाई करके ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई करके ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाखोटा तालाब वाले मामले में भी यही हुआ। इसमें भी हमने अभी दो दिन पहले सीटीए में गुनाह दाखिल किया। जैसा मैंने बताया आईपीसी की कलम 374 और पॉक्सो के विभिन्न कलमों के तहत हमने आरोपी को डिटेन कर लिया है और उसके विरुद्ध कायदे से कार्रवाई होगी। इसमें भी उसने भोग बनार के साथ वारंवार शारीरिक संबंध बनाए और उसके आधार पर हम आगे की तपास चल रही है। अभी ये तो हमारे ध्यान पे नहीं आया, बट आरोपी जो है बाया भाई आंबलिया है, वो किसी ना किसी तरीके से इससे जुड़ा हुआ था। उसने इसको इसका यौन शोषण किया और अंतिम जो है वो आखिरी में वो लाखोटा तालाब के पास किया। इसके आधार पे हमने गुनाह दाखिल किया है और अब उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई कायदेसर होगी। जामनगर ने एक प्रतिष्ठित खानगी स्कूल में धोरण 6 ની વિદ્યાર્થીની કોરોનાગ્રસ્ત બનતા અફરાતફરી મચી જવા પામી છે। સ્કૂલમાં એક અઠવાડિયા માટે રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે। વિદ્યાર્થીનીના સંપર્કમાં આવનારા સંખ્યાબંધ વિદ્યાર્થીઓના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। જો કે અન્ય વિદ્યાર્થીઓના ટેસ્ટનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। કોરોનાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીનીના પરિવારજનો પણ કોરોના પોઝિટિવ હોવાનો અહેવાલ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગરમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટનો કેસ નોંધાયા પછી જામનગર વાલી મંડળ દ્વારા ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ મુદ્દે તંત્રનો અભિગમ વિદ્યાર્થીઓ માટે જોખમી સાબિત થઈ રહ્યો છે। થોડો સમય ઓફલાઈન શિક્ષણ સ્થગિત કરી દેવાની પ્રબળ લોકમાંગ ઉઠી છે। ચંદીગઢની રહેવાસી ભારતીય મોડેલ હરનાસ કોર સંધુએ મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ મેળવી ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે। 2017માં મિસ ચંદીગઢનો ખિતાબ પોતાના નામે કરનાર હરનાઝે ઇન્ટરનેશનલ બ્યુટી કોન્ટેસ્ટમાં સાઉથ આફ્રિકા અને પેરુગ્વેની હરીફ સુંદરીઓને પાછળ છોડી મિસ યુનિવર્સનો તાજ હાંસલ કર્યો છે।